हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति एंड हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा एक पहले चैनल था स्मार्ट लर्निंग हब के नाम से, जिसका कि मेरा फ़ोन रिसेट होने की वजह से मेरी उस मेल की रिकवरी नहीं हो पाई थी, और इस रीज़न से मैंने ये नया चैनल बनाया है। और फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर फिर से काम कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे इस चैनल पर भी सपोर्ट ज़रूर करें, और फ्रेंड्स मुझे आपकी सपोर्ट के इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आप चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको LIC से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें बताती हूँ जो कि आपको काम आती है आगे चल के। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी LIC में कोई भी प्लान आपने ले रखा है या फिर लेना चाहते हैं, और या फिर आप एजेंट हैं LIC में, तो आपके लिए ये आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि लोग LIC पॉलिसी ले लेते हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि LIC में 15 साल, 20 साल, 25, 30, यानी कि इतने साल की टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि लोग पॉलिसी ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म की पॉलिसी ले लेते हैं, लेकिन उस लॉन्ग टर्म के बीच उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जिस वजह से वो पॉलिसी कंटिन्यू नहीं रख पाते और वो पॉलिसी सरेंडर करने का सोचते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी आप लोग पॉलिसी सरेंडर करवाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें फाइनेंशियली आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स सरेंडर जब भी आप पॉलिसी करवाते हैं तो आपने जितना भी पैसा जमा किया था उसका आपको लगभग 50-60, यानी कि 50-60% ही आपको रिटर्न उसमें मिल पाता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स सरेंडर वैल्यू का LIC में एक रूल रखा गया है कि अगर आप बीच में अपनी पॉलिसी तोड़वाते हैं, पॉलिसी बंद करवाते हैं, तो आपका इतना पैसा LIC डिडक्ट कर लेता है और बचा हुआ अमाउंट आपको मिल जाता है। वो फ्रेंड्स LIC इसलिए करता है ताकि अगर ये रूल नहीं होता तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, प्लान लेते हैं LIC में और उसे ख़त्म कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसी वजह से LIC ने ये सरेंडर वाला रूल रखा हुआ है ताकि LIC में जो टर्म है वो अपना पूरा चले। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप पॉलिसी सरेंडर करवाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सरेंडर नहीं करवाएंगे तो आप एक और ऑप्शन यहाँ पर होता है फ्रेंड्स, आप अपनी पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है, फ्रेंड्स अगर आपने अपनी पॉलिसी 3 साल तक कंटिन्यू जमा की है और उसके बाद मान के चलते हैं कि आपने 5 साल अपनी पॉलिसी जमा की और उसके बाद किसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से आपने अपनी पॉलिसी जमा नहीं करवा पाई, तो फ्रेंड्स उस सिचुएशन में आपकी जो पॉलिसी होती है वो पेड अप पॉलिसी में चली जाती है। फ्रेंड्स, पेड अप का मतलब क्या होता है, फ्रेंड्स पेड अप का मतलब यहाँ पर यह होता है कि आपका जो सम अश्योर है, यानी कि आपकी पॉलिसी घटते सम अश्योर के साथ चलती रहेगी और उसकी कवरेज ख़त्म नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको सबसे अच्छा क्या फ़ायदा देखने के लिए मिलता है कि आपने जितना भी आपने प्रीमियम जमा किया है, जब भी आपकी पॉलिसी कंप्लीट होती है तो उसका आपको जितना आपने जमा किया है वो आपका बेसिक सम अश्योर हो जाता है, प्लस आपने जितना भी उसमें आपको बोनस भी ऐड होता है। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी बात होती है पेड अप वैल्यू की। फ्रेंड्स, पेड अप का मतलब यहाँ पे यही होता है कि आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहती है, आप उसमें अगर प्रीमियम नहीं भी पे कर पाते उसके बाद भी आपकी पॉलिसी की कवरेज ख़त्म नहीं होती है और आपकी पॉलिसी घटते हुए सम अश्योर के साथ चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसका भी यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको आगे बताती हूँ। फ्रेंड्स, आप अपनी पेड अप वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, आप ये फॉर्मूला यूज़ करके अपनी पेड अप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे है बेसिक सम अश्योर मल्टीप्लाई बाय नोज ऑफ प्रीमियम पेड अपॉन में नोज ऑफ प्रीमियम पेबल। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है जिससे आप भी अपनी पेड अप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी अपना जो पेड अप वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। फ्रेंड्स, पेड अप वैल्यू जो होती है वो बेसिक सम अश्योर पर कैलकुलेट होती है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ भी एक बार इसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, फर्स्ट लाइन में आप लोग देख पा रहे होंगे कि मिस्टर एक्स हैं,
जिन्होंने सम अश्योर लिया था 10 लाख का, पॉलिसी टर्म लिया था 20 साल और पॉलिसी पेइंग टर्म भी उनका 20 साल था। तो फ्रेंड्स सेकंड लाइन में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि उन्होंने प्रीमियम पे किया 5 साल का और उसके बाद उनकी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम के वजह से उन्होंने आय का प्रीमियम नहीं पे कर पाए और 5 साल ही पॉलिसी पे करने के बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी स्टॉप कर दी। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग थर्ड लाइन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फिर पेड अप वैल्यू निकाली गई कि फ्रेंड्स पेड अप वैल्यू क्या होगी इस पॉलिसी की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इनकी जैसे कि सम अश्योर है 10 लाख रुपए, तो फ्रेंड्स 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 / 20 यानी कि 5 साल उन्होंने पे की थी और 20 साल की उनकी पॉलिसी टर्म थी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं इनका जो पेड अप वैल्यू आई है। तो फ्रेंड्स पेड अप वैल्यू निकालने पे इनकी जो आई है वो है फ्रेंड्स 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स इनकी पेड अप वैल्यू 2.5 लाख रुपए है। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल में मान के चलते हैं कि अगर उनकी डेथ हो जाती है 8 साल पे, यानी कि पॉलिसी लेने के 8 साल बाद अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने 5 साल पॉलिसी पे की और 8वें साल पर उनकी डेथ होती है, तो फ्रेंड्स उनको यहाँ पे, तो फ्रेंड्स जैसे ही उनकी पेड अप वैल्यू है 2.5 लाख रुपए, वो उनको मिल जाएंगे प्लस उस पर बोनस मिल जाएगा। फ्रेंड्स आप फोर्थ नंबर पे देख पा रहे होंगे जैसा लिखा हुआ है 2.5 लाख प्लस उनका जो भी बोनस बनता है वो उनको मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करती हूँ मेच्योरिटी की, यानी कि 5 साल पॉलिसी देने के बाद अगर वो पॉलिसी नहीं देते हैं और 20 साल पर अगर उन्हें मेच्योरिटी मिलती है तो उन्हें क्या मिलेगा। तो फ्रेंड्स पाँचवें ऑप्शन में आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनको 2.5 लाख रुपये प्लस बोनस, यानी कि फ्रेंड्स अब ये बोनस उनका ज़्यादा बोनस बनेगा क्योंकि 20 साल तक उनकी पॉलिसी उन्होंने प्रीमियम नहीं दिया बट उनकी पॉलिसी पेड अप सिचुएशन में रही, इस वजह से उनका जो भी बोनस बनेगा वो मिलाकर उनका जो भी टोटल अमाउंट बनेगा वो उन्हें ऐसे मैच्योरिटी दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए ये इस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और फ्रेंड्स मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल पे विज़िट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स चलती हूँ, फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय फ्रेंड्स।